कैसे हो आप सब? आज मैं आप बेबी शीट बनाना सिखाऊंगी, न्यू बॉर्न बेबी शीट। चलो शीट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने मेजर इस तरह लेना होगा। शीट की लेंथ हमने रखनी होगी 32 और विड्थ इसकी हम लेंगे 27। इस तरह हम दो पीस कट कर लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में। दो पीस हमने इस तरह कपड़े के कट कर लिए। हमने कला लाइन का कपड़ा लिया है, नर्सरी प्रिंट का। बहुत ही सॉफ्ट है, बच्चों के लिए कोई भी चीज़ हम बनाते हैं बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। और इस तरह हमने एक फोम का पीस भी कट कर लिया है, बैग में डालने वाली जो फोम होती है उसका पीस भी हमने इसी मेजर से कट कर लिया है। और एक हमने इस तरह स्टिक शीट भी कट कर ली है जो हम इसमें डालेंगे। इसका मेजर भी सेम इसी तरह है। कटिंग का काम हमारा हो चुका है, अब इसमें हम स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें इस तरह शीट बिछानी होगी। बिछा लेंगे हम उल्टी करके, इसके ऊपर इस तरह हम फोम शीट रख देंगे। इस तरह फोम शीट को चेक कर लेंगे। इस तरह हम प्लास्टिक शीट भी बिछा देंगे। अब इसे हम इस तरह कच्चा कर देंगे सुई धागे से, ताकि ये बिल्कुल कपड़ा फोम और प्लास्टिक शीट हिले ना अपनी जगह से। हमने इसमें सिलाई लगानी है, सिलाई लगाने में कोई हमें परेशानी ना हो, इसलिए हमें तो कच्चा करना पड़ता है। साइड से हमने इसे कच्चा कर लिया है। अब थोड़ी सी डिस्टेंस, जैसे कि 3 इंच की दूरी पर फिर हम सुई धागे से इसे कच्चा कर लेंगे। मेन मकसद हमारा कपड़े को सेट करना है, फोम कपड़ा और प्लास्टिक शीट। हमने इस तरह सुई धागे से कच्चा कर लिया है। अब हम मशीन से सिलाई लगाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कैमरे में, हमारी सिलाई लग चुकी है। ये हमारी एक साइड थी, अब हम दूसरी साइड इसके ऊपर रखेंगे इस तरह उल्टी करते हुए। ये हमारी साइड है दूसरी, इसको हम इस तरह उल्टाते हुए। इस तरह रखते हुए 3 साइड सिलाई लगा देंगे। हमारी तीनों साइड सिलाई लग चुकी है, देखिए। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह हमने अपनी शीट को सीधा कर लिया है और कॉर्नर को अच्छी तरह कोई सिलाई डालकर या कोई पेन पेंसिल डालकर इसकी नोक निकाल लेंगे अच्छी तरह। दूसरी साइड भी इसी तरह निकाल लेंगे।
और जो हमने कच्चे लगाए थे सुई धागे के साथ उससे भी हम खींच लेंगे। इस तरह हमारी शीट ये सीधी हो चुकी है। अब इसकी मुंह वाली साइड को हमने फोल्ड करना है। इसे फोल्ड करने के लिए हमें इस तरह कपड़े को फोल्ड करते हुए दोनों साइड, देखो जैसा कि आप देख रहे हो कैमरे में, स्पंज वाली साइड भी और जो दूसरा साइड हमने अटैच किया उसको भी इस तरह करते हुए सिलाई लगा देंगे किनारे पर। देखिए इस तरह हमने आगे वाली साइड को भी फोल्ड कर लिया है कि डेकोरेशन के लिए हम ये लेस लगाएंगे, अटैच कर देंगे। जैसे आप कैमरे में देख रहे हो जिस साइड हमने सिलाइयाँ लगाई थी वो साइड सीधी है, उसी साइड हम लैस को रखेंगे। दूसरी साइड हमारी प्लेन है, उस पर पोलोथीन आया हुआ है, वो साइड हमारी नीचे जाएगी और ये साइड हमारी ऊपर आएगी। इसी तरह हम नीचे की साइड लेते आएंगे लंबाई वाली साइड सिलाई को। रबर कट कर लेंगे और इसे इस तरह फोल्ड करते हुए हमारी शीट अब रेडी है।